बिग कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू शो फॉर दिस बिग बॉस जर्नी. हाउ मच एक्साइटेड फॉर योर साइड? I'm super excited, and more than excitement, I have a lot of gratitude and I have a lot of positivity. So yes, mind apna kafi positive rakhna hai aur aage badhte jana hai. Yeah, and how you bagged this opportunity? How you grabbed this opportunity? What was your first thought when you got the offer from the Big Boss OTT? I'll tell you honestly, when I used to sit on sets with my other colleagues, you know, actor colleagues, everybody was desperate to go to Big Boss, but mere muh se nahi nikalta tha ki mujhe Big Boss mein jana hai. But it just happened out of the blue, you know, I just had to expect the unexpected. So, dene wala deta hai, chhappar phaad ke apne hisaab se hi deta hai, aapke hisaab se nahi. जी. तो कितने सारे थॉट्स थे जब आपको फर्स्ट टाइम ऑफर हुआ? वाज दैट यस और नो फ्रॉम योर साइड? पहले यस था या फिर आपने बाद में सोच समझ के जवाब दिया? वेल, मेरी तरफ से हमेशा से यस था. उन्होंने मुझे ऑप्शन भी दिया था, आप टीवी करना चाहते हो या ओटीटी. तो मैंने कहा था कि मुझे ओटीटी से कोई शुरुआत भी मिल जाए तो भी मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ओटीटी आप अच्छे से कर लो तो टीवी पर अपर हैंड मिल जाता है. यू नो व्हाट ऑडियंस वांट बिग बॉस में? ऑडियंस क्या चाहिए वो आप जानते हो एज एन एक्ट्रेस. यू नो व्हाट ऑडियंस ऑलवेज वांट फ्रॉम देयर फेवरेट कंटेस्टेंट्स. सो व्हाट प्रिपरेशन यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम योर साइड? क्या आप एक एंटरटेनमेंट पैकेज लेकर जाना चाहोगे बिग बॉस के घर में? ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम रहेगा, क्योंकि देखा जाए तो पब्लिसिटी वाइज मैं सबसे लीस्ट फेमस कैंडिडेट हूँ इफ यू कंपेयर मी विद अदर्स. एंड एंटरटेनमेंट इज द ओनली वे, एंड आई वांट टू प्ले लाइक अ लोनर वुल्फ. भेड़ बनकर नहीं चलना है मुझे, भेड़िया बनकर चलना है. जी, जैसे कि आपने कहा कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो फैन फॉलोइंग है या लिस्ट पॉपुलर आप हो, पर लास्ट टाइम भी जब अर्चना गौतम गई थी उनको भी काफी कम लोग जानते थे, लेकिन जब वो घर से निकली तो उनकी पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा थी. आपको लगता है नहीं कि आपका ये पॉइंट आपको आगे भी लेकर जा सकता है, आपको एंकरेज भी कर सकता है? यू नेवर नो कि आप एक सुपरस्टार की तरह बाहर निकले. डेफिनेटली मुझे लगता है आई कैन रियली इमर्ज एज अ superstar, as a versatile person, and someone people, the audience will highly relate with me, क्योंकि वो ऐसा महसूस करेंगे कि हमारी एक परछाई अगर घर के अंदर celebrities के बीच रह रही है तो वो सिर्फ baby का है. Yes, आपको एस्ट्रो बेबी का एक टैग दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे जो ये टैग को मिला है? कितना सस्टेन करेंगे ये टैग को लेकर आगे तक? मैं आपको बताऊं, मुझे इस शब्द बेबी शब्द से सख्त नफरत रही है, लेकिन जब बिग बॉस ने मुझे ये नाम दिया है तो अब उनको ये रिश्ता निभाना भी पड़ेगा. बिग बॉस की इकलौती बेटी हो गई हूँ मैं और उस पूरे घर की जायदाद मेरे नाम है, तो मुझे इस बात पे पूरा नाज है. और एस्ट्रो तो ऑफकोर्स मेरा फैमिली लेगेसी है जो मैं आगे बढ़ा रही हूँ, तो ये नाम बड़ा ही स्ट्रेंथफुल और अमेजिंग है. Yeah, and how your father reacted? Because वो हमेशा बिग बॉस के घर में जाते हैं और दूसरों की कुंडली देखते थे, लेकिन आप आपका भी देखेंगे अगर वो बिग बॉस के घर पे आएंगे. So what will be that feeling also? मैं इतनी बदकिस्मत हूँ ना, आपको क्या बताऊँ, कि मेरे फादर पूरी दुनिया की कुंडली देख सकते हैं, पूरी दुनिया को परख सकते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को या अपनों को नहीं बता सकते. एस्ट्रोलॉजी का रूल होता है घर वालों का नहीं बताना होता है, अपनों का नहीं बताना होता है. तो मेरी ऐसी बदकिस्मत है, बट मुझे लगता है वहाँ सलमान सर है जो मेरी कुंडली खोलेंगे और वो मुझे पढ़ लेंगे, तो मैं खुशकिस्मत हूँ अगर सलमान सर मेरे बारे में कुछ बताएं. जी. जैसे कि अब तक आपने देखा ही होगा कि कई सारे कंटेस्टेंट्स के नाम रिवील हो रहे हैं, सबके आपने ग्लिम्स देखे होंगे. ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट है जिसके साथ आपको लगता है कि आपका बॉन्ड हो सकता है, और एक कंटेस्टेंट ऐसा कौन है जिसके साथ आपको लगता है कि शायद बन ना पाए घर में जाकर? एक कंटेस्टेंट जिसके साथ मेरी ना बन पाए मेरी अच्छी बॉन्डिंग मनीषा से बन सकती है, क्योंकि मुझे वो काफी मुफट लगती है, तेज तर्रार लगती है, फन लगती है, और उसके साथ बैठकर मैं इमोशनली कनेक्ट कर सकती हूँ. और बाकी वहाँ पे एक कंटेस्टेंट था जो पुनीत आई गेस नाम था उसका, जो प्रोमो में वो कीचड़ में रेंग रहा था. यस. हाँ, तो मुझे नहीं लगता मैं बात भी कर पाऊंगी उस इंसान से, मतलब अजीब लगा मुझे काफी. तो बाकी तो लड़कियां जो है वो काफी टफ कंपटीशन है. जिया है, फिर पूरी है, फिर वो बाकी सब कंटेस्टेंट्स है, तो वो काफी काफी टफ कंपटीशन है, तो उनसे मुझे काफी बचकर रहना पड़ेगा. एंड द हबीबी गाय वो वैसे दिखा रहा है कि आई एम जस्ट देयर फॉर द लाइमलाइट और आई एम जस्ट हियर टू कनेक्ट विद पीपल, बट मुझे लगता है वो काफी एम्बिशियस है वो बंदा, और जीतने की भूख उसमें बहुत है.
थ्रू. ओके, सो कौन सा ड्यूटी करना चाहेंगे घर पे? बिकॉज मोस्ट ऑफ पीपल दे ऑलवेज वॉन्ट टू स्टे इन किचन, बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि जो किचन पे राज कर लिया वो आगे तक जाता है. सो यू कंसिडर दिस सेम? वेल आई थिंक आई होल्ड ऑन टू द किचन वर्क बिकॉज आई एम गुड विथ कुकिंग एज वेल, बट पूरी किचन की छिपकली नहीं बनना चाहती हूँ मैं. बट नॉट द वॉशरूम एंड ऑल, लाइक रूम की साफ सफाई ठीक है, किचन ठीक है, बट ये वॉशरूम वॉशरूम तक मुझे मत भेजो. हाइजीन को लेकर काफी ही झगड़े होते हैं घर में. डू यू फाइंड कि आपको भी ये इश्यू होगा आगे चल के या बिग बॉस के घर में? मैं भी काफी पेक्यूलियर हूँ अबाउट हाइजीन एंड आई एम अ डॉक्टर, तो मेरे लिए इन्फेक्शन कंट्रोल तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है. तो हाँ, उस पर मैं डायरेक्टली इशू रेस कर सकती हूँ और मुंह पर बोल सकती हूँ कि ये ऐसा ऐसा है. पहले मैं एक अच्छी रिस्पेक्टफुल अप्रोच रखूंगी, अगर उसमें भी नहीं माना तो फिर बेटा तुमको तो फिर लाइन पे लाना पड़ेगा. तीन चीज है वो आप ये बिग बॉस के घर में एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे. एक्सपेरिमेंट मैं यहाँ पर अकेले ही लड़कर पूरा शो जीतने की कोशिश करूंगी, और अक्सर लड़कियां ऐसी दिखती नहीं है जो अकेली लड़े, वो या तो फीमेल सपोर्ट ढूंढ लेती है या तो मेल लव कनेक्शन ढूंढ लेती है. लड़कियां हमेशा कोई ना कोई सपोर्ट ढूंढ लेती है, बट मैं ऐसी पहली लड़की शो में उभरना चाहूंगी जो पूरी तरह से हेड टू टो सोलो रहेगी और अंत तक सोलो रहेगी. बट हमने बिग बॉस के घर में ये भी देखा था ओटीटी सीजन 1 में कि इट्स वाज ऑल अबाउट द कनेक्शन गेम. इफ अगर कुछ कनेक्शन के बारे में जिक्र हुआ बिग बॉस ओटीटी 2 सीजन 2 में, तो आप कैसे खेलेंगी? बिकॉज यहाँ पे सीजन कनेक्शंस बनाकर भी आगे चलना होता है. को रिस्पेक्ट दीजिए, यस सबकी तरफ एक अच्छा एटीट्यूड रखिए. आप जितनी लोगों को इज्जत देंगे उतनी आपको मिलेगी, और एक कॉर्डियल नेचर रखिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर आपके लिए. इंसानियत मत खोइए, अपनी दिल की सच्चाई और अच्छाई मत खोइए, इतना मैं सोचकर चलूंगी. बाकी अगर कोई मेरे अच्छे दोस्त बन जाते हैं तो वेल एंड गुड, आई विल होल्ड ऑन टू देम. नहीं बनते हैं तो हु गिव्स अ डैम, अकेली आई हूँ, अकेले निकलना. परफेक्ट. ओके, सो मैं ये जानना चाहूंगी कि बिग बॉस का घर ऐसा है ना जहां आप कितने भी मेंटली स्ट्रांग हो जाओ पर कभी कभी इमोशनल हो ही जाते हो. सो हाउ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर दैट मोमेंट? कितना आप उस चीज को लेकर अपने आप को स्ट्रांग रहना चाहोगे और कैसे प्रिपेयर करोगे उस दौर पर? मुझे लगता है मैंने कुछ स्ट्रैटेजी सोची है, बट डिस्क्लोज करूं मैं? मुझे लगता है कि वहां आपको अपने आप पता चल जाएगा मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस. कुछ चीजें मिस्ट्री रखे तो अच्छा है, दुनिया को पढ़ने वाली खुद एक मिस्ट्री बन के रहे तो सबसे ज्यादा मजा आएगा. ओके, सो विविका, हाउ यू वांट टू स्टाइल योरसेल्फ इनसाइड द बिग बॉस हाउस? इज इट एनी प्लानिंग इज गोइंग ऑन फ्रॉम योर साइड? एंड मोमेंट प्लानिंग हुई है एंड आई एम रियली ग्रेटफुल. मेरी डिजाइनर है आरशी एंड शी हैज डन अ लॉट ऑफ वर्क एंड आई एम सो सो थैंकफुल. उसने एंड मोमेंट पे इतना सब कुछ किया है, एंड माय पीआर टीम संजीत एंड अमन एंड एवरीबडी आउट देयर, दे हैव डन थिंग्स ऐसे स्विफ्टली. आई वाज सो वेरी आउट ऑफ ऑर्डर. आई केम फ्रॉम दुबई ऑन 10th एंड दे डिड एवरीथिंग ऑन टाइम, सो आई एम रियली थैंकफुल टू देम. ये सारी प्लानिंग मेरी नहीं है, ये उनकी है, तो वो ही बेहतर बता सकते हैं. एंड दे आर द रीजन आई एम एबल टू डू थिंग्स ऑन टाइम. सलमान सर फर्स्ट टाइम बिग बॉस ओटीटी होस्ट करने वाले हैं, कितना एक्साइटमेंट है? आपका भी फर्स्ट टाइम है, सलमान जी का भी फर्स्ट टाइम है, व्हाट अ कोइंसिडेंस वी कैन से. एब्सोल्युटली, बट द मोमेंट आई हर्ड इट्स बीन होस्टेड बाय सलमान सर, आई वाज लाइक आई एम जंपिंग. माहौल तो पूरा टीवी वाला ही बनने वाला है, क्योंकि वी हैव द टफ लव मेंटर. यस, सो अगर आप सलमान जी के सामने जाएंगी तो क्या एक चीज करना चाहेंगी उनके लिए या क्या एक स्पेशल मोमेंट क्रिएट करना चाहेंगी उनके साथ? मैं सलमान सर से कहूंगी कि सर, मैं पूरी दुनिया का हाथ पढ़ती हूँ, पूरी दुनिया की एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, और किसी को अपनी करने नहीं देती हूँ. बस आप हैं जिनको मैं चाहूंगी कि आप मेरा हाथ पढ़े, आप मेरी एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग करें, क्योंकि आपकी पारखी नजर बहुत अच्छी है. जी. ओके, सो फाइनली वन मैसेज फॉर द ऑडियंस जो कि काफी ही बेसब्री से इंतजार कर रही है बिग बॉस ओटीटी के लिए, काफी ही बर्स चल रहा है, तो उन सभी ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस को मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर उनको अपनी खुद की कोई परछाई घर में दिखेगी रिलेटेबल एंड ग्राउंड जीरो से, तो वो बेबी का के अलावा कोई नहीं दिखने वाली है. सो आई एम द ओनली पर्सन दे कैन रिलेट टू द फुलेस्ट, एंड प्लीज सपोर्ट मी, प्लीज लव मी, आई एम नीडेड टू द फुलेस्ट. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर द शो. आई होप आई कैन सी यू ऑन अ फिनाले स्टेज. यस प्लीज, थैंक यू फॉर योर वेल विशेस. बाय बाय, टेक केयर, बाय. बाय.